तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? और जय बोलिए बागी सर धाम की, जय हो। तो दोस्तों ये आप तैयार दिख रहे हैं, कल जो हमारा कलश यात्रा निकलने वाला है 23 तारीख को थार वाले बालाजी से निकलने वाला है। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ थार वाले बालाजी के सब 10:30 बजे सब इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ से जो हमने जो साड़ी का वो है पीली साड़ी, उसका पूरा प्रावधान कर लिया है। और ये देख रहे होंगे पटाखे लग चुके हैं हर जगह, पीला पीला भगवा रंग चढ़ने वाला है पूरे अशोकनगर ज़िले में। और कई भाई कमेंट कर रहे हैं कैसे आएंगे, तो भाइयों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आप आराम से आइए, अशोकनगर आ जाइए। रूट हैं दो, बीना और गुना वाला, तो सब आ जाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं भगवा रंग चढ़ने वाला, हर तरह झंडा लग चुका है तैयारी। और मॉर्निंग में जो वीडियो डाली थी वो शायद आपने ना देखी, तो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको पता चल जाए। और शाम का जो रोटेशन है क्या क्या हो गया वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तैयारी पूरी तरीके से हो गई है और जो मेन गेट है उस पर अब जो बैनर लगने वाला उसकी पूरी तैयारी हो गई है। जो बंदे आप देख रहे होंगे तो जी आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैनर लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बैनर लग रहा है जो आप देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों पूरी तरह तैयार हो गया देव दरबार, और यहाँ पर जी पूरे बैनर है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मधुभागवत कथा होने वाली है उसका पूरी तरीके से, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरे जस्ट पीछे देख ही रहे होंगे आप, और जो पूरा बोर्ड लगने वाला है यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो पा रही, गाड़ी रख दी है। आप देख रहे होंगे कितनी रात में पब्लिक उसको ले रही है। और क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना, बहुत बड़ा ये बैनर है इसलिए आप देख रहे होंगे पब्लिक। और आप ये देख रहे होंगे दूसरा बैनर, ये इतना लंबा चौड़ा है, आप देख रहे हैं कम से कम 500 फुट के आसपास होगा।